गाने पर मचा बवाल। भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप के साथ पहुंची कलेक्टर के पास की जांच की मांग। पिछले दिनों सोशल मीडिया में गाने के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पर रोक की मांग के साथ कलेक्टर के पास जा पहुंचे। उनका कहना था, आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान लगाना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत भद्दी टिप्पणी कतई स्वीकार नहीं। वो चाहते थे कलेक्टर पूरे मसले पर उच्च स्तरीय जांच के बाद उचित कार्यवाही करे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आला से मिलता जुलता गीत है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है, व्यक्तिगत किसी की छवि खराब की जा रही है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। यह शिकायत लेकर के हम यहाँ आए। आज मैडम कलेक्टर को हमने अपना ज्ञापन दिया है और कहा है कि जो इसमें लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ FIR की जाए, और इसके बाद हम लोग अब SP साहब से जा रहे हैं शिकायत लेकर के। उनको भी ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर FIR की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा गाना में क्या खास है जो इस तरह से छवि को धूमिल कर रहा है, क्या लगता है? देखिए, क्या है कि आप किसी के भी पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं, इसने चोरी करी है, डाका डाला है। आचार चुनाव आचार संहिता इस समय लागू है। इस समय आप किसी पार्टी के ऊपर किसी विचार के ऊपर आप हमला बोल सकते हैं, लेकिन आचार संहिता का ये उसका तकाजा है कि हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते हैं। इस आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR हो।